हाय, आज हम एक बहुत फ्लेवरफुल सूप बनाने वाले हैं। इट्स वेरी हेल्दी आल्सो एंड आई लव इट। सो ये मैंने हमाम दस्ते में थोड़ा सा जिंजर, गार्लिक, काली मिर्च और जीरा कूट लिया है। आप अगर चाहो तीखा पसंद है तो हरी मिर्च भी डाल सकते हो, पर मैं नहीं डाल रही। सो ये मैंने ले लिया। यस, लोड्स। ठीक है, नहीं कूटी, थोड़ी बहुत काली मिर्च चलेगी। ये मैंने खूब सारा जिंजर एंड गार्लिक लिया है फुल ऑन फ्लेवर के लिए। टमाटर, ड्रमस्टिक्स, कुछ नहीं, मैंने धो लिए टमाटर को। मैं भी इसे हाथ से दूर ऐसे फोड़ दिया मैंने। सी, अब मैं इसमें ड्रमस्टिक्स डाल रही हूँ। ये मैंने प्याज छील रखा है, मैं इसे भी थोड़ा सा ऐसे रफली कूट लिया। ये प्याज भी इसमें डाल दिया। एंड ये है मेरी धनिया पत्ती, खूब सारी धनिया पत्ती। दिस विल गिव यू द मोस्ट फ्लेवर इन योर सूप। ये मैंने, एक सेकेंड, लेट मी डू वन थिंग फर्स्ट, आई एड ऑल दी ड्राई पाउडर्स व्हाट आई वांट टू ऐड। मुझे सॉल्ट ऐड करना है और कुछ नहीं। और थोड़ा सा इस सूप को टैंगी और यमी बनाने के लिए, ये मैं टैमरिंड का पेस्ट है, दिस इज माई होम मेड टैमरिंड पेस्ट, इमली का गूदा। इधर यू कैन यूज योर मार्केट का और यू कैन मेक एट होम वेरी इजीली। ये एज पर योर टेस्ट आप थोड़ा सा डाल दीजिए। आप इसमें पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, करी लीव्स डाल सकते हैं। ऑल दीज गिव यू बैंग ऑफ फ्लेवर। एंड विंटर्स में तो ये सब बहुत अच्छा भी मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है ऐसा सूप पीना। ट्रस्ट मी, यू विल लव इट। ये अच्छा, ये कुछ बीटरूट के फ्रेश लीव्स थे मेरे पास, आई एम गोइंग टू ऐड दोज ऑल्सो टू गेट दी मोस्ट न्यूट्रिएंट्स। पालक भी डाल लो आप थोड़ी सी, मेथी नहीं, कड़वापन आ जाएगा, तो थोड़ी पालक भी डाल सकते हैं। मैं ज़्यादातर यही सब डालती हूँ एक्सेप्ट बीटरूट लीव, इस बार थी तो मैं डाल रही हूँ। कड़ी पत्ते, पुदीना, ये भी डाल सकता है इजीली। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। सो ये जो हमाम दस्ते में मैंने कूटा था उसको वॉश करते हुए मैं पानी डाल रही हूँ, ताकि सारे जो जूसेस हैं इसमें आ जाए। और पानी, ये पानी ऑलमोस्ट 1 ग्लास, और इसे हम ढक देंगे। करीब करीब 5 से 6 सीटी के लिए हम इसे पकाएंगे। सो क्या होगा, जो भी हमने इसमें सब्जियां डाली है उन सब का फ्लेवर उस पानी में आ जाएगा। एंड व्हाट आई विल डू इज आफ्टर 6 to 7 विसल्स मैं इसे खोल के छान लूँगी। सारा जो पानी है अलग से इकट्ठे कर लेंगे और सारी वेजिटेबल्स दोबारा डाल के थोड़ा और पानी डाल के और 4-5 सीटी के लिए मैं बजा लूँगी। तो इससे मेरे पूरा न्यूट्रिएंट्स वेजिटेबल्स का जो है सारा पानी में इकट्ठे हो जाएगा। इट्स अ वेरी थिन रसम लाइक सूप, इट्स नॉट योर थिक सूप विच वी नॉर्मली गेट, इट्स वेरी थिन लाइक रसम एंड यू रियली एंजॉय हैविंग दिस। पीपल लाइक मी जो चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीते उनके लिए तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। सो लेट्स वेट फॉर द विसल नाउ। सो ये मेरी सीटियाँ बज गई हैं खूब सारी, तो मैंने कुकर खोला है और अब मैं इसे सीधा छान लूंगी। ये देखिए, आप इसमें कुछ कैरेट्स, बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक।
पर पहले एक बार जरूर, जैसे मैंने बनाया है ना विद लॉट्स ऑफ धनिया, इवन इफ यू डोंट हैव बीटरूट लीव्स दैट्स परफेक्टली ऑल राइट, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स आप यूज करके बना के देखिए, आई एम श्योर यू विल लव इट। क्योंकि जब जब इसकी सीटी बजती है ना, एक अलग ही, आई कांट टेल यू, इतनी खुशबू फैलती है ना कि यू लाइक ओह माय गॉड हेवनली। ये अब मैं और दूसरा पानी डाल रही हूँ, खूब सारा पानी डाला और फिर से गैस पे लगाया, और कम से कम 4 से 5 सीटी बजा के आप इसकी सीटी निकाल लीजिए और छान लीजिए, एंड सी योर सूप इज रेडी। ये काफी, बिल्कुल भी गाढ़ा सूप नहीं है, इट्स अ थिन शोरबा टाइप्स पतला सूप, इज नो तड़का नथिंग, छाना एंड इट्स रेडी टू ड्रिंक। अगर आप चाहो तो बटर डालो, वरना मत डालो। सो डू ट्राई एंड लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।